गिलोय से लीवर डैमेज होने वाली स्टडी का आयुष मंत्रालय ने खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा है कि स्टडी को सही ढंग से नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि गिलोय को लीवर डैमेज की खबरों से जोड़ना भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए भ्रामक और विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में गिलोय का प्रयोग कई समस्याओं में होता है, यहाँ तक कि इसे लीवर के लिए भी लाभकारी माना जाता है। स्टडी को एनालाइज करने के बाद देखा गया है कि इसके लेखकों ने जड़ी बूटी की सामग्री का विश्लेषण नहीं किया था जिसे उन 6 मरीजों ने खाया था। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि यह जानना जरूरी है कि जिसे मरीजों ने खाया था वो सच में गिलोय है या फिर टिनोस्पोरा क्रिस्पा। इसके लिए या तो उन्होंने किसी वनस्पति शास्त्री की राय ली होगी या फिर किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी कई स्टडी हैं जो बताती हैं कि जड़ी बूटी की सही पहचान न करने से गलत परिणाम हो सकते हैं। एक समान सी दिखने वाली जड़ी बूटी टिनोस्पोरा क्रिस्पा का लीवर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए गिलोय जैसी जहरीली प्रकृति के लेबलिंग से पहले लेखकों को मानक दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पौधों की सही पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। इसके अलावा भी स्टडी में कई खामियां हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि रोगियों ने कौन सी खुराक ली थी या उन्होंने इस जड़ी बूटी को अन्य दवाओं के साथ लिया था या फिर नहीं। स्टडी में रोगियों के पिछले या फिर वर्तमान मेडिकल रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखा गया था। अधूरी जानकारी पर आधारित ऐसी जानकारियां आयुर्वेद की सदियों पुरानी प्रथाओं को बदनाम कर सकती हैं। इससे पहले गिलोय से लीवर डैमेज होने वाली रिपोर्ट्स को पतंजलि ने खारिज किया था। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण का कहना था कि आयुर्वेद में गिलोय का परंपरागत प्रयोग कई समस्याओं में होता है और इसमें लीवर रोग भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि जिन 6 मरीजों के लीवर डैमेज हुए थे वे पहले से कई बीमारियों से ग्रसित और दूसरी एलोपैथिक दवाएं ले रहे थे, इसलिए इस सीमित शोध के परिणामों को गिलोय के उपयोगों से बिल्कुल जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।